यह एक सिंपल कंडक्टर है, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो कराते हैं, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जनरेट हुए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक होते हैं, मतलब सारे लाइन सर्कुलर होते हैं और उनका सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है। इन सर्कल का प्लेन कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है और ऐसे ही प्लेन कंडक्टर के हर पॉइंट पर होता है, यानी कंडक्टर के हर पॉइंट पर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। इसके लिए राइट हैंड के फिंगर को ऐसे बंद करते हैं कि थंब यानी अंगूठा सीधा रहे और वायर हाथ में रहे। इस समय थंब का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रहेगा। अब एक ऐसा सर्कल खींचते हैं जो उस पॉइंट से पास करे और उसका सेंटर वायर पर हो। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर्कल का टेंजेंट होगा और हाथ के बंद चारों फिंगर की ओर होगा। इसी तरह सर्कल के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट की ओर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल होगा। यदि करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा।